अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने दो शक्तिशाली विस्फोटों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ, जबकि दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में हुआ है। एजेंसी ने बताया कि मिलिट्री अस्पताल के पास भी गोलियों की आवाज सुनी गई। तालिबान ने एजेंसी को बताया कि दोनों बम धमाके पुलिस डिस्ट्रिक्ट 10 में स्थित एक अस्पताल के आसपास के इलाके में हुए। अफगानिस्तान पर सत्ताधारी तालिबान के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ, जबकि दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में हुआ। अभी तक किसी आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन का हाथ बताया जा रहा है। एजेंसी ने आई विटनेस के हवाले से कहा कि इस्लामिक स्टेट के कई लड़ाके अस्पताल में दाखिल हुए और सुरक्षा बलों से भिड़ गए थे। आपको बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में लगातार बम धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों में अब तक करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।